स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जून में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाएगी। यूपी में अगले महीने वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। 1 जून से ही सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष तक की आयु वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभी ने सिर्फ 23 जिलों में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मिशन जून के तहत चलाए जाने वाले इस टीकाकरण महाअभियान की पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों के अलावा कार्यालयों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। कम आबादी वाले जिलों में भी कम से कम 1000 टीके प्रतिदिन लगाए जाएंगे। वही अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया है कि जून में वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई में इसे और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का कहर कुछ कम होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत देने का मन बना रही है। सरकार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है। प्रदेश में कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। इसके बावजूद यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार 1 जून से बाजार पर लगी पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या के साथ खोल सकती है। सरकार के इस कदम से लोगों को राहत भी मिलेगी और इसके साथ ही सख्ती भी रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि 23 जून तक सख्ती को बरकरार रखें। यदि कहीं पर केस कम है तो फिर राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र भी भेजा है। गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य के मुख्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। चक्रवाती तूफान यास से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा के लिए बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुलूक ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के रवैये पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को ओछी राजनीति से ऊपर उठकर अपने अहम को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के साथ मिलकर बंगाल के लोगों को राहत देने के लिए काम करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि ममता और उनके अधिकारियों का केंद्र के साथ या असहयोगात्मक रवैया संवैधानिक मानदंडों और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ममता बनर्जी का अनुपस्थित रहना चक्रवात यास से उपजी विषम परिस्थितियों में बंगालवासियों के कल्याण और उनकी बेहतरी के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को उजागर करता है। वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 1904 यूनिट रक्तदान किया है। सेवा ही संगठन अभियान की समीक्षा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षी दलों को भाजपा कार्यकर्ताओं से सेवा कार्य करने की प्रेरणा लेने की सलाह दी।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की छवि चुनावी कार्यकर्ता के रूप में थी, लेकिन भाजपा ने सेवा कार्यों तथा सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से छवि को बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एक एक पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता ने सेवा को ही संगठन बनाने का काम किया है। आजमगढ़ परिवहन विभाग आने वाले 1 जून से लाइसेंस संबंधित कार्य शुरू करने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए जिले के सहायक परिवहन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सेवाएं रोक दी गई थी, जिसे जून माह के पहले तारीख से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शुरू कराई जाएगी। तो आजमगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 1 जून से लाइसेंस संबंधित कार्य शुरू करने की जानकारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए जिले के सहायक परिवहन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सेवाएं रोक दी गई थी, जिसे जून माह से पहली तारीख से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शुरू कराई जाएंगी। वहीं आगरा के फतेहाबाद रोड पर चल रहे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निर्माण कार्य के दौरान कुछ कर्मचारियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा करने के दौरान सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल से बाहर चले गए। कर्मचारियों के प्रदर्शन की सूचना पर क्षेत्र पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और यहां कर्मचारियों को समझा बुझा कर शांत करा दिया गया। कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी की वजह से गुजरना पड़ रहा है। तो आगरा से खबर बता रहे, जहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हंगामा करने से रोका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक करीब 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 13 लोग लोधा थाना क्षेत्र के कसरुआ इलाके से और 3 लोग थाना जवा के शेरत इलाके से हैं। साथ ही कुछ लोग गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेके के सेल्समैन को हिरासत में ले लिया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आज प्रातःकाल ग्राम करसुआ थाना लोधा यहां से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग शराब के सेवन करने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस पे तत्काल गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए आबकारी टीम और पुलिस की टीमें तत्काल वहां पर गांव में पहुंची और आबकारी की टीम के साथ जो संभावित ठेके थे उनको भी वहां पर सील किया गया, उनके सैंपल्स वहां पर लिए गए हैं और इसके साथ ही मेरे एवं जिलाधिकारी अलीगढ़ जो है उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस गांव का भ्रमण किया गया। वहीं पता चला कि एक पास के ही अन्य गांव अंडला में भी वहां पर कुछ लोगों की जो है तबीयत खराब है और उनको उपचार की आवश्यकता है, उनको वहां से जो है अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा एक अन्य गाँव जो की छेरत नाम का है, जो की थाना जवा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां से भी जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई। इन सभी मामलों में जो लोग जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी उनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस की 6 टीमें इसमें गठित की गई ताकि तत्परता से इसमें वैधानिक कार्रवाई। उन्नाव में सड़क दुर्घटना में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। यहां एक गाड़ी ने 2 बाइकों और एक साइकिल में टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइकों और साइकिल के पर खच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवा दिया गया। अब इस हादसे को लेकर सीएम ने मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं आजमगढ़ पुलिस ने जिले में हिस्ट्री शीटर बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस ने इस दौरान थरवा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश बना रही है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि वांछित अभियुक्त मुख्तार अंसारी के गैंग का शार्प शूटर है और जिसके विरुद्ध मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के अनुज कनौजिया जो कि एक शातिर क्रिमिनल है और जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, ये थाना तरवा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। उसके विवेचक द्वारा आज उसके निवास पर जाकर जो 82 की उद्घोषणा है, कुड़की जो उद्घोषणा है उसकी कार्रवाई की गई है और ये अभियुक्त फरार है, 50,000 का इनामी है और बहुत जल्दी इसे गिरफ्तार।
राजधानी लखनऊ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ एक मस्जिद के इमाम पर आलमबाग पुलिस ने लाठी से वार किया। इमाम पर चले लाठी को लेकर पुलिस की ओर से सफाई पेश की गई है। पुलिस का ये कहना है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया था। वह इस मामले में अब आक्रोशित लोगों ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित लोगों को शांत करवाते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पर गुंडई करने का आरोप लगा है। आरोप है कि भाजपा नेता ने ग्राम पंचायत अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव कर लिया और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करके हंगामा भी करना शुरू कर दिया। अभी एक शरद सिंह नामक व्यक्ति मेरे पास आया जो बहुत दिनों से एक डेथ सर्टिफिकेट गलत बनाने के लिए ग्राम पंचायत रोहना का दबाव बना रहा था। जो आज आया, मैं कमरे में कॉपरेटिव साहब के बैठा हुआ था। कहाँ रहने वाले हैं शरद सिंह? ये मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ का रहने वाले, लेकिन वो कई लोगों से, कभी पंचायत साहब से, कभी किसी से, कभी पचासों लोगों से मेरे मोबाइल पे उस डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दबाव बना। शरद सिंह क्या है मैं नहीं जानता। वो है, उसने अपना नाम हर बार फोन पे शरद सिंह मनाया था और एक बार फोन पे गलत भाषा का यूज कर रहा था तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है और कोविड नियमों का भी पालन कराने की अपील की जा रही है। रामपुर में कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संक्रमण के दौर में हमारे एक हेड कांस्टेबल की भी मौत हो गई और लगभग 31 पुलिसकर्मी अभी भी अंडर क्वारंटीन है जो जल्द ही स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। देखिए, कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रामपुर पुलिस पूरी अपना जितना भी पॉसिबल है रोड पे खड़े होकर इसका एनफोर्समेंट करा रही है। पूरे जिस काल की बात करें, अगर इस काल में हमने करीब 540 मुकदमे लिखे हैं और 3000 लोगों पे हमने मुकदमे लिख के कार्रवाई करी है। साथ ही साथ हमने जो चालान बनते हैं, जुर्माना वसूला है इनसे, वो मास्क और थूकने को लेकर करीब 1 करोड़ 92 लाख का वसूला है। साथ में जो वाहन सीज करे हैं, 2400 से ज़्यादा हमने वाहन सीज किए हैं और उसमें जो ट्रैफिक का हमने शुल्क वसूला है, सब मिला के हमारा 5.5। वहीं शाहजहांपुर के शेहरा मऊ थाना क्षेत्र के भरगवां गांव में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में अवैध असलहों का जखीरा भी बरामद किया गया है। साथ ही घटना स्थल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो हथियार बनाने का कारोबार करता था। पुलिस ने अभियुक्त पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। थाना शेहरा मऊ दक्षिणी में ग्राम भरगवां में एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाना शेहरा मऊ दक्षिणी के एसओ के साथ पुलिस टीम ने वहां दबिश दिया और दबिश के दौरान एक सुखदेव नाम का अपराधी वहां गिरफ्तार किया गया है और पूरी अवैध असलहे की फैक्ट्री बरामद हुई है। इसमें 3 तमंचा 12 बोर, 315 बोर और 1 राइफल 315 बोर, ये निर्मित थे। इसके अलावा 315 बोर के और 12 बोर के कई अर्ध निर्मित। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए एक 25,000 के इनामी गैंगस्टर आजाद उर्फ बोना को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंगस्टर अब तक चोरी और लूट के कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आजाद उर्फ बोना को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। ये एक शातिर चोर है, चोरों का गिरोह चलाता है और इसके विरुद्ध चोरी के कई मुकदमे, जिसमें बरामदगियां भी हुई हैं, कई मुकदमे पंजीकृत थे। इसी आधार पर इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये 6 महीने से फरार चल रहा था। इसको एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से तमंचा, 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना कांट पर अभियोग पंजीकृत कर इसे जेल रवाना किया जा रहा है। वहीं शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ एक युवक को फोटो डालना काफी महंगा पड़ गया। वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए मीडिया सेल ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है।
फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।